नाबूद करने की कसम खा चुके इसराइल और हिजबुल्ला की जंग भयानक होती जा रही है। दो दिन पहले हिजबुल्ला ने इसराइल में ताबड़तोड़ रॉकेटों की बारिश की थी, तो अब इसराइल ने लेबनान में पिछले 18 सालों का सबसे बड़ा हमला किया है। इसराइली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने ताजा हमले में हिजबुल्ला के 1600 टारगेट को निशाना बनाते हुए लेबनान में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इसराइल ने हमले के लिए कम से कम 10,000 रॉकेट्स दागे हैं, जबकि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में अब तक 492 लोगों की मौत हुई है, इनमें 58 महिलाएं और 35 बच्चे हैं, तो वहीं करीब 1645 लोग घायल हैं। इजरायली हमले को देखते हुए फिलहाल लेबनान में 25 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है ताकि इजरायली हमले में और जान माल का नुकसान ना हो। अरब मीडिया के मुताबिक 2006 में इजराइल लेबनान जंग के बाद लेबनान पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। इजराइल के फाइटर जेट अभी भी लेबनान में बम गिरा रहे हैं, लेकिन इजरायली सैनिकों की ओर से सीधे लेबनान में घुसकर हमला किया जा सकता है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने लेबनान में जमीनी अभियान की संभावना से भी इनकार नहीं किया है, यानी अब यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या इजरायल अब लेबनान में जमीनी लड़ाई पर भी उतरने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने दावा किया कि हिजबुल्ला ने लेबनान के आम नागरिकों के घरों में रॉकेट और मिसाइल छुपा रखे हैं, जिससे तबाह करना इसराइल का मकसद है। इतना ही नहीं, हम हगारी ने लोगों से यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो अपने अपने घरों से निकल जाएं, छोड़ दें जिनमें हिजबुल्ला ने हथियार छुपा रखे हैं, वरना हिजबुल्ला आपको खतरे में डाल सकता है। इसराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। IDF का दावा है कि हिजबुल्ला दक्षिणी लेबनान में घरों में मिसाइलें छुपाकर रखता है, जिन्हें लगभग एक साल से इसराइल में दागा जा रहा है। इसराइल इसी ठिकाने को तबाह करने में लगा है। नेतन्याहू के तेवर को देखते हुए यही लगता है कि पेजर तो बहुत छोटी चीज है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। हिजबुल्ला के जवाबी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए इसराइल की सरकार ने पूरे देश में 30 सितंबर तक स्पेशल होम फ्रंट सिचुएशन यानी कि इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी है।